हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिमी एंड मॉमी। और आज जिमी की मॉमी क्या बनाने लगी है? सो जिमी की मॉमी बनाने लगी है सहजन की फली। देखो कितनी सहजन की फली और आलू की सब्जी। हाँ, क्योंकि गर्मियों में की सौगात है ये जो सब्जी है ना। और है ना, हेल्थ वाइज भी ये, इसको मोरिंगा की फली भी कहते हैं और सहजन फली भी कहते हैं, सुरजने की फली भी कहते हैं और सिंधी में इसको सिंगी भी कहते हैं। और गर्मियों में ये बहुत मिलती है, बहुत मिलती है और बहुत ताज़ी ताज़ी मिलती है। और एक्चुअली जो ये फलियां आप देख रहे हो ना, ये जिम्मी की मासी लेकर आई है। वो है ना अपने स्कूल से, उसके स्कूल में बहुत सारी खेती बाड़ी की जाती है, तो उसके प्रिंसिपल सर ने ये सारी स्टाफ को दी है, अपने ऑफिस स्टाफ को और सारे स्टाफ को दी है। तो जिम्मी की मासी को भी दो बंडल्स मिले तो बड़े ताज़े ताज़े थे, तो यानी हम लोगों को बड़ी पसंद है। हम सिंधी हैं और राजस्थानी भी हैं, तो हमको बड़ी बड़ी पसंद है ये, है ना। तो इसको है ना मैं बढ़िया काट पीट के छील के और ऐसे तैयार कर लेती हूँ। मैं आपको एक छील के बताऊँ कैसे छीलते हैं, तभी आप बोलोगे बहुत इजी होता है। ऐसे छील ली इसको, ये से छोटे इतने इतने टुकड़े कर लिए है ना आपके हिसाब से, और बस इसके छोटे छोटे पकड़ के ये इसके बस ये ऐसे से निकाल लो। और इसको बस चलो मैं सारे ऐसे रेडी कर देती हूँ और बाकी किचन में तैयारी हुई पड़ी है, फिर मैं आपको किचन में ले चल के दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आ चुके हैं हम किचन में और ये देखिए ये फलियाँ मैंने पूरी छील के साफ़ कर ली। मैंने ये चार पांच अनियंस को चॉप करके रखा है, ज़्यादा मोटे नहीं है, ज़्यादा पतले नहीं है। और ये सात आठ आलू है, बड़ा समझ लो तो मेरे पास छोटे थे तो मैंने आठ दस आलू लिए और ऐसे छोटे छोटे काट लिए उनको। और ये रूटीन मसाले हैं, धनिया मिर्ची और हल्दी, दो चम्मच धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है और ये सात आठ टमाटरों को मैंने प्यूरे करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। और क्या कहते हैं ये देखिए कुकर में बनाने वाली हूँ, बहुत बढ़िया फटाफट बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अब ये वाला जो चम्मच है ना, ये मैंने एक भर के इसमें तेल का डाला है। अब इसको गर्म होने देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये गए थे अनियन, चलो और इनको सेकते हैं। हमको ना इनको अच्छा खासा ब्राउन सेकना है ना। इसमें मैंने थोड़ा सा एक पिंच नमक डाल दिया है ना, ताकि ये जल्दी से पक जाए, ये ब्राउन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये हमारे ब्राउन होने वाले हैं ना। क्या हुआ जिम्मी, ध्यान से जाओ यार। देखिए गाइस, और अभी है ना ये देखो, ये थोड़े से ना ये धनिया के डंठल हैं, इनको मैंने धो के बारीक काट दिया है। और अभी जब हमारा ये ब्राउन होने वाला है ना, तब मैं इसको डाल देती हूँ। इससे ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा आपकी सब्ज़ी में। तो धनिया का डंठल है ना, कभी भी आप लोग फेंका मत करो, उसमें इतना फ्लेवर होता है, इतना फ्लेवर होता है। न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, ताकत तो होती है, बट उसमें स्वाद इतना होता है ना कि आप बता नहीं सकते। फिर आ गया आप बीच में ही आना, ये मेरे को है ना कोई भी रेसिपी अकेले रिकॉर्ड नहीं करने देती है लड़की, और मैं करने भी नहीं दूंगी। चलो यार हो जाए ये ब्राउन, फिर इसमें मसाले डालेंगे। ओके, देखिए गाइस ये बस इतना ब्राउन हो जाए है ना, बस इतना ब्राउन करना है। अब हम गैस को कर देंगे बिल्कुल लो और अब हम डालेंगे ये हमारे धनिया मिर्ची हल्दी, तीनों रूटीन मसाले, ठीक है। और जुकाम हो रखी है यार, सुड़ सुड़ कर रही है नाक, हालत ख़राब हो गई। चलो मेरे को भी जुकाम हो रही है बहुत जोर से। अब ये देखो इसको हम मसाले की थोड़ी सी करते हैं सिकाई, क्योंकि आज कमर बहुत ज्यादा ही दुख रही है। हाँ, मसालों की कमर दुख रही है तो मैं कर देती हूँ सिकाई, और जलने न पाए मसाले, बस इतना ध्यान रखना, कुछ ज्यादा मालिश नहीं करनी है मम्मी। हाँ, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे प्याज का गुस्सा कम हो जाए। हाँ, जिससे मसाले जले नहीं, गुस्सा कम हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, है ना। भूनो, देखो अभी अच्छे से भून गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटरों की प्यूरी, आराम आराम से। मम्मी इससे गुस्सा बढ़ जाएगा, शांति कर लो यार जिम्मू, शांति कर लो, इनको बना लें दो यार वीडियो। गाइस क्या बोलेंगे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि कितना अच्छा बोलता हूँ मैं। चलो अब इसमें दो घूंट पानी और है ना, और अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी एनर्जी, नमक मतलब मम्मी है ना। जी हाँ, नमक स्वाद अनुसार, सफेद नमक
स्वाद अनुसार नहीं, अभी सिर्फ टमाटर के लिए नमक, ताकि टमाटर जल्दी से थोड़े हमारे पक जाए। मम्मी मैंने सफेद ही बोला, स्वाद अनुसार नहीं बोला। ये देखिए अब शांत हो गया है गुस्सा बहुत। अब हम इसको थोड़ी सी देर ढक्कन लगा देंगे। ओके। तो ये लगा दिया मैंने इसको ढक्कन, इसको 2 मिनट के लिए इसको कुक होने देते हैं और फिर आगे प्रोसेस करते हैं। चलो अब इसको हटा लेते हैं हम ढक्कन को, 2 मिनट हो गए, इतना ही हमें थोड़ा सा बस पानी छुड़ाना था उसका टमाटरों का। अब इसमें मैं आलू डाल देती है ना। अब हम कर देते हैं गैस की फ्लेम को तेज, करेंगे आलू टमाटर की भुनाई, है ना। अभी हम जो ये फलियाँ हैं ना, ये बहुत नाजुक होती हैं, है ना, तो इनको हम थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे, है ना। आलू को हम इसको बिल्कुल तेज फ्लेम पे भून लेंगे, इतना भून लेंगे कि ये मसाला है ना बिल्कुल ऐसे चिपकने लग जाएगा नीचे से, तब तक भून लेंगे, है ना। मैं आपको दिखाती जाती हूँ बीच बीच में। ये देखिए कितनी अच्छे से भून रही है, मगर अभी भी काफ़ी पानी इसमें बाकी है। कि मस्त सी ग्रेवी तैयार होगी जब हम इसको बनाएंगे ना पानी डाल के, पर इसको पहले पूरा भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या कच्चे कच्चे टमाटर की जो स्मेल आती है ना वो नहीं अच्छी लगेगी इसमें। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करें, फिर आप देखना क्या शानदार सब्ज़ी बन के तैयार होगी, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और आप हमेशा से ये हमेशा ही मतलब ऐसे ही बनाओगे सब्ज़ी, एक बार ट्राई ज़रूर करना और लाइक करना, कमेंट करना, और रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करना, और बनाओ तो मुझे बताना, आप पिक्स मुझसे शेयर करना। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगी, वहाँ भी मुझे आप फॉलो कर लेना, है ना। और मुझे अपने पिक्स और अपनी रेसिपीज़ वगैरह कुछ सजेशंस हो आप दे सकते हो, मुझे बता सकते हो, आपको कुछ सही नहीं लगता है वो भी मुझे बता सकते हो कि हाँ यार ये ऐसे कर लो। तो क्या एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ना आइडियाज़, कोई भी परफेक्ट नहीं होता दुनिया में कि हाँ कि ये परफेक्ट है, मैं परफेक्ट हूँ, वो परफेक्ट नहीं है। भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, हाँ ऐसा है कि कोई कमियाँ हैं उसको सुधारते चलो, तो बस ऐसा है परफेक्शन की ओर चलते रहो। तो अगर आपको कुछ भी लगे, कोई भी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर देना, है ना। तब तक मैं इसकी भुनाई चालू रखती हूँ, ये थोड़ा सा नीचे लग जाए ना अच्छे से, फिर इसमें पानी डालेंगे। देखिए गाइस, अब ये देखिए नीचे लगने लगी है ना सब्जी, है ना, जलाना भी नहीं है बट ऐसा है कि बिल्कुल सूख जाए, है ना। तो ये परफेक्ट है अभी फली को इसमें डालने के लिए, तो जो सहजन फली है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ अच्छे से, जैसे टूटे नहीं, फली बहुत नाजुक होती है ये। डाल दिया हमने इसमें सारी फली। अरे भाई इधर कहाँ जा रहे हो, इधर कहाँ छुप रहे हो, निकलो इधर से। ये डाल दी है ना। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ मैं, ये थोड़ा सा नमक, और मैं क्या 2-3 बार ही डालती हूँ थोड़ा थोड़ा नमक, मतलब फिर बाद में अगर होगा तो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा फली के लिए भी डाल दिया ना। अब इसको हम उसकी इसको भी 1-2 बार अच्छे से भूनेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं भूनना इसको। ये देखिए इसको इस टाइप से भूनना है, लाइट ही चली गई, शायद अब आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ लगे, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यार अभी शूट नहीं किया ना, तो फिर ये सब्जी तो बन के रेडी हो जाएगी, पूरी गड़बड़ हो जाएगी वीडियो। पर मैंने फ्लैश लाइट चालू करके मैं कैसे तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए बस ज़्यादा नहीं भूनना है। सो गाइस वीडियो क्वालिटी पे मत जाओ, रेसिपी पे जाओ। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, है ना, पानी उतना डालना जितने आपको ग्रेवी चाहिए। अभी मैंने 1 ग्लास डाला है, मैं और डालूंगी, क्योंकि हम लोग है ना थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखते हैं सब्जियों में, पसंद करते हैं हमारे घर में। ये 1 ग्लास पानी और मुझे कम लगेगा तो मैं देख लूँगी, एडजस्ट कर दूँगा। अब इसमें मैं नमक वमक बराबर कर देती हूँ, है ना, और ग्रेवी आप देखना, बट अब क्योंकि कुक होगी ना तो अभी थोड़ी सी जाड़ी भी होगी ग्रेवी, अभी मुझे लग रहा है मुझे शायद 1/2 ग्लास पानी और डालना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से रखना ग्रेवी, मतलब आप क्या जैसे खाती हो ना, क्योंकि ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें टमाटर है, प्याज है काफ़ी सारा, तो ये बनने के बाद जाड़ी होगी, है ना। तो देखिए गाइस मैंने इसमें अभी 1 ग्लास और पानी डाला, मतलब मैंने टोटल इसमें डाला 3 ग्लास पानी, है ना। और देखो इतनी पतली ग्रेवी है, क्योंकि ये पीने में भी बड़ी टेस्टी लगती है ना, जब आप रोटी के साथ में आलू चूर चूर के खाते हो ना बड़ा मज़ा आता है। जब हम लोग सर्व करेंगे ना मैं तब भी आपको कोशिश करूँगी दिखाऊँ, है ना। मैंने नमक भी इसमें एडजस्ट कर दिया है। अब क्या आती है कि हम इसका कुकर का लगाएंगे ढक्कन, है ना। अब इसमें हमें सीटी वीटी नहीं मारनी, है ना,
एक भी सीटी नहीं बजाएंगे इसमें, इसमें सिर्फ प्रेशर को हम भरेंगे, है ना। वो प्रेशर जब इसमें यानी बिल्कुल सीटी बजने वाली होगी ना, तो हम गैस को कर देंगे ऑफ, क्योंकि बाकी ये भाप में बन जाएगी। आलू हमारा काफ़ी से गल चुका है और हमारी जो वो है सुरजने की फली है, सॉरी हाथ आ गया बीच में, हमारी जो सुरजने की फली है वो इतनी नाजुक है कि उसे इतना सीटी वीटी मारने की ज़रूरत नहीं है, है ना, वो बिना सीटी के ही पक जाएगी। तो इसमें सीटी भर जाए, ये रेडी हो जाए, फिर हमको इसे कैसे डन करना है, कुछ इसमें गरम मसाला वगैरह जो भी डाला है मैं आपको बताती हूँ। तो इसको पहले बनने दो, फिर मैं मिलती हूँ। तो आइए गाइस, हम अब कुकर को खोल के देखते हैं हमारी सब्ज़ी का हाल। वाह, कितनी बढ़िया बन गई है। चलिए आइए अब इसको डन करते हैं। ये डाली हमने इसमें काली मिर्च, ज़रूर डालना काली मिर्च, ये बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये डाला इसमें गरम मसाला, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा, मेरे पास एवरेस्ट का है, आप कोई भी डाल देना जो आप ब्रांड यूज़ करते हो। ये गया इसमें हरा धनिया, ढेर सारा, बहुत मस्त लगता है इसमें हरा धनिया। और अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारी फली है ना टूटने का डर रहता है। ये देखिए गाइस, हमारी सब्ज़ी तैयार है, बढ़िया से आलू भी पक गया है, फली भी मस्त वाली गल गई है। अगर हो सका तो सर्विंग टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज रेसिपी हमारी रेडी है यहाँ तक। और अगर आप इसको फुलके के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फली के बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है, फली पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो पोस्टमार्टम फूड होता है ना ऐसे भी यूज़ होती है, जो न्यू मदर्स रहती है ना उनको भी इसको घी और टमाटर में बना के खिलाया जाता है। वो कभी मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए फली कैसे टूट गई है ना। अभी मैं आपको उसको खाने का, अगर हो सका ना सर्विंग टाइम पे खाने का तरीका भी बताऊंगी कैसे खाते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी मस्त मस्त रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं सर्विंग टाइम पे, अगर हो सका तो बाय बाय। तो आ जाइए गाइस, सर्व कर लेते हैं हमारी सहजन फली की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और ये कुछ फलियां टूट गई हैं, तो इसको देखकर घबराइएगा नहीं, ये क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं और जब हम इन्हें थोड़ा सा प्रेशर देते हैं ना तो ये कुछ कुछ इसमें बिखर भी जाती है, बट आप इनको जब खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, सबसे पहले बाइट में ले लिया आलू और इसको, अरे ये आलू गिर गया, अरे आ जा भाई आलू, आ जा आ जा आ जा आ जा। और ये पहली बाइट आपके लिए, आप बनाना और खा के फिर बताना, मैं फ़ोन में से सिर्फ आपको ऐसे ही खिला सकती हूँ। और अब आपको जिम्मी है ना सहजन फली खा के दिखाएगी। ये ली सहजन फली और बस इसको ऐसे ही चूसना है, बढ़िया सुड़क सुड़क के खाना है, इसके अंदर का जो पूरा माल पानी है मस्त चूस के खा लो इसको। और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, और कहते हैं सहजन फली तो 10 रोगों का इलाज है, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स हो या एक कहते हैं इसको तो एंटीबायोटिक कहते हैं, इसका जो पूरा पेड़ है ना, इसके बीज हों, इसके फल हों, इसके फूल लो, सब काम आते हैं। जिम्मी को तो देखो कैसा, और यार मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा था भाई साहब, जो टेस्ट आ रहा था ना बहुत अच्छा, जूसी बहुत ही। आप भी बना के देखना, अगर अच्छा बने, अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जरूर, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप ये सब्जी बनाओ तो मुझे जरूर बताना कि कैसी बनी है सब्जी, है ना, अगर अच्छी बने तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये बहुत हेल्दी होती है, इसको जरूर 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 बनाना, है ना, मैं तो इतना यानी बोलूँगी कि इतनी हेल्दी होती है, टेस्टी तो होती है, हेल्दी बहुत होती है। मतलब यानी ऐसा नहीं है कि सिंधी ही खाते हैं या राजस्थानी ही खाते हैं, हर कोई खा सकता है। हाँ, और हर कोई खाता है, और बहुत टेस्टी होती है, गर्मियों में बहुत ताज़ी ताज़ी आ रही है, बनाओ, इसके हेल्थ बेनिफिट्स लो और इन्जॉय करो। बाय बाय।